सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग फ्रेंड, आज के इस जूम सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम दोस्तों अक्षय ठवाले और अमृतसर पंजाब से बिलोंग करता हूं। आज से दोस्तों 3 साल पहले मोदी केयर को शुरू किया था। शुरू करने से पहले अमृतसर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जॉब करता था। 10,000 रुपया सैलरी थी, स्प्लेंडर बाइक होती थी मेरे पास। जिंदगी को काट रहे थे दोस्तों, जी नहीं रहे थे, लेकिन दोस्तों सपने बहुत बड़े थे। लाइफ में कुछ करना चाहते थे, कुछ ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों 3 साल पहले मोदी केयर लाइफ में आया, प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट बहुत बहुत बढ़िया लगे। तो दोस्तों पार्ट टाइम में वर्क करना शुरू किया, 6 मंथ दोस्तों पार्ट टाइम में किया। अभी दोस्तों 2.5 साल हो चुके हैं मुझे मोदी केयर को फुल टाइम करते हुए। अचीवमेंट की बात करें दोस्तों, आज पौने 2 लाख रुपया महीने का बनाता हूँ। मोदी केयर में बहुत ही बढ़िया लेवल पे हूँ, प्रेजिडेंशियल डायरेक्टर हूँ, 2 गाड़ी अचीव कर चुका हूँ, 2 फॉरन टूर अचीव किए। आज दोस्तों मैं अकेला पैसा नहीं बना रहा, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो बढ़िया पैसा बना रहे हैं। सो दोस्तों आज का एजेंडा क्या है जूम सेशन का, आज दोस्तों लीप प्लेटफॉर्म में पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों आपको बताएंगे, जैसे हमारी कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी, अभी दोस्तों हमारे जो कंट्री मेंटर है डॉक्टर श्रेखा भार्गव मैम ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया। अभी दोस्तों हमारी 9 दिन थीम बेस्ड दोस्तों होम मीटिंग चलेगी। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे दोस्तों आप उसको प्रमोट करके अपने बढ़िया बिजनेस को बढ़ा सकते हो। ऑलरेडी दोस्तों मैम की ट्रेनिंग को अटेंड कर करके बहुत सारे लोगों ने अपने टाइटल को चेंज किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाखों करोड़ों रुपया बना रहे हैं। सो आज दोस्तों आपने क्या करना है, ध्यान से इस मीटिंग को सुनना है, डायरी पेन पास में रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जिस शख्सियत को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ, वो इस होम मीटिंग, जूम की होम मीटिंग को आपकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, कैसे आप इसको प्रमोट करके बढ़िया पैसा बना सकते हैं। सो आप सबकी दोस्तों जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ दोस्तों, एक सिंपल हाउसवाइफ से। 25 साल पहले दोस्तों मोदी केयर शुरू किया, आज मोदी केयर में टॉप पार्टनर है। मोदी केयर में नहीं दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में वो दोस्तों टॉप पार्टनर है। महीने का 1.25 करोड़ रुपया बनाते हैं, मर्सिडीज एस एस क्लास जैसी गाड़ी चलाते हैं। एक नहीं दोस्तों उनकी टीम में लाखों लोग लाखों करोड़ रुपया बना रहे हैं। सो सबसे पहले मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ डॉक्टर श्रेखा भार्गव मैम। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, ग्रेट ग्रेट स्टार्ट अक्षत जी, दिस इज अमेजिंग। अक्षय जी, जोरदार तालियां आपके इस शाइनी स्टार्ट के लिए बजाना चाहेंगे। तो मोदी केयर के इस होम मीटिंग त्योहार में आप सबका स्वागत है दोस्तों। ये सचमुच त्योहार ही साबित होने वाला है। ये जो आप 8 दिन हमारे साथ रहने वाले हैं, बिलीव मी, आप इसको कहीं भी लिख करके रख सकते हैं। ये 8 दिन आपकी जिंदगी में ऐसे त्योहार की तरह साबित होंगे कि आपकी पूरी जिंदगी को त्योहार बना कर रख देंगे। इसमें ये ताकत है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हम फील्ड पर होम मीटिंग किया करते थे। होम मीटिंग को बिजनेस बिल्ड करने का, सेल बिल्ड करने का, प्रोस्पेक्टिंग का, लीडरशिप डेवलपमेंट का, राइजिंग स्टार आइडेंटिफाई करने का, राइजिंग स्टार डेवलप करने का, हर किसी चीज का ना शॉर्टेस्ट कट माना जाता है, इजिएस्ट एंड शॉर्टेस्ट कट माना जाता है। और हमने बहुत होम मीटिंग करी, एक एक कंसल्टेंट को एक एक होम मीटिंग सिखाने के लिए हम जाया करते थे किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। आज हम सब ये जूम पे बैठ के अपने अपने घर में बैठ के 3 फीट की दूरी पर कर रहे हैं। ये सही कारण से ये वक्त हमारे सामने नहीं आया, पर जिस किसी भी कारण से आया है हमारे लिए तो बहुत सही साबित हुआ है। तो दोस्तों आप सब जो इस जूम मीटिंग में अवेलेबल है, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। दूसरी बात, तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सफलता आपको उतनी ही मिलती है जिसके लिए आप तैयार हो। और हम कराते हैं लीप प्लेटफॉर्म पर आपकी सफलता की, आपकी जीत की तैयारी। जो कल आपके काम आएगा वो आज सिखाते हैं, और जो आज आपके काम आ रहा है उसमें और आपको मजाते जाते मजाते जाते मजाते जाते हैं। तो सारी की सारी हिंदुस्तान की जो लीडरशिप मिलकर के लीप प्लेटफॉर्म में जो स्ट्रेंथ डाल रही है, उस स्ट्रेंथ के लिए और मोदी केयर की सारी लीडरशिप के लिए एक बार जोरदार तालियां सब मिलकर के आइए बजाते हैं। अब बात आती है, आइए तैयारी करते हैं। वो जूम मीटिंग, वो होम मीटिंग जो हम घर घर जाकर के किया करते थे, वो होम मीटिंग जो सिखाने के लिए न जाने हमने कितने पापड़ नहीं बेले, वो होम मीटिंग हम आपको 7 दिन में, 8 दिन में, बल्कि ये कह सकते हो टोटल 9 दिन में हम आपको घुट्टी में घोट करके पिला देने वाले। अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल ने हमें बताया है कि ये ऑनलाइन बिजनेस न्यू नॉर्मल है। आपका बिजनेस अल्टीमेटली उतना ही बड़ा होना है जितना बिजनेस आपका ऑनलाइन होना है, जितना बिजनेस आपका जूम पर होना है। तो क्यों नहीं इसको बड़ा किया जाए, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ऐसे नहीं रहना है,
ऑनलाइन हम करते रहेंगे क्योंकि ये इजीएस्ट है, मोस्ट इकोनॉमिकल है, बट हम फील्ड पर भी वर्क करेंगे। हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हम सब फील्ड पर भी वर्क करेंगे, और फील्ड पर वर्क करने के लिए आपको किसी को होम मीटिंग सिखाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, कराने के लिए, करने के लिए जाओगे, सिखाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये इतना बड़ा टाइम सेवर, इतना बड़ा छलांग, इतनी बड़ी छलांग ये आपके बिजनेस में प्रूव होगा जिसका अंदाजा आप आज नहीं लगा सकते हो। बट हम आपको इन 9 दिन में मजा देंगे, आज की भी तैयारी और कल की तैयारी के लिए भी। और कौन हो सकता है बेहतर, कौन कर सकता है अच्छा इस काम को, हमारे दो होम मीटिंग किंग एंड क्वीन मिलकर के कर रहे हैं इस इवेंट को। दोस्तों ये जो 9 दिन का त्योहार है, ये 9 दिन का त्योहार हमने हवाले किया है हमारे दो होम मीटिंग पैशनेट पीपल को, लीडर्स को। पहले लीडर हैं मुनीश चोपड़ा जी। मुनीश चोपड़ा जी का तो जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसका नाम ही 10K होम मीटिंग है। वो 10,000 होम मीटिंग अपने ग्रुप में कराने के मकसद को लेकर के जीते हैं, तो डेफिनेटली उनका कन्विक्शन आप समझ ही सकते हैं। और जितनी फास्ट सक्सेस उन्होंने दिखाई है, वो सक्सेस भी प्रूव कर रही है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो फ्रूटफुल है। और दूसरी लीडर जिनको हम बुलाने जा रहे हैं, वो जानी ही जाती हैं होम मीटिंग क्वीन के रूप में, प्रोडक्ट क्वीन के रूप में। उन्होंने सारा अपना बिजनेस बिल्ड किया है, आप कह सकते हो कि होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग के थ्रू। और जो प्रूव करती है, जो इंस्पायर करती है कि एक सिंपल सी हाउसवाइफ में आपके साथ आज एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिस पर किसी को भरोसा नहीं होता, वो सिर्फ 12th पास है। एक 12th पास लेडी जिसके बड़े सपने थे, और जब जिसके हाथ में नेटवर्क मार्केटिंग की छड़ी आई तो वो उन्होंने घर घर होम मीटिंग में ही घुमाई, और वही होम मीटिंग वो बहुत सक्सेसफुली पिछले 1 साल में जूम पर लाने में कामयाब हुई हैं। खुद भी करती हैं, अपनी टीम को भी सिखाती हैं, और फिर बिजनेस में अप एंड डाउन नहीं आते। जब आप होम मीटिंग पे बिजनेस बिल्ड करते हो तो आप एक ठहराव के साथ बिजनेस बिल्ड करते हो, लोग लगातार ऊपर 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 जाते हैं। तो एक IT प्रोफेशनल जो कि बहुत फास्ट ग्रोथ ले रहे हैं, तो दूसरी एक सिंपल सी हाउसवाइफ, 12th पास हाउसवाइफ जो होम मीटिंग के थ्रू बहुत अच्छी ग्रोथ ले रही है, बहुत कंसिस्टेंटली बहुत ठहराव के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही है। तो इन दो महारथियों को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने आज ये स्क्रीन संभाली है। मैं सबसे पहले मुनीश चोपड़ा जी को स्क्रीन शेयर कर आ रही हूँ। मुनीश चोपड़ा जी स्वागत है, जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाना चाहते हैं। जोरदार तालियां मुनीश चोपड़ा जी। आप विश्वास करो, आपको शायद अंदाजा भी नहीं हो सकता आज की ये जो आपके 9 दिन के त्योहार आप शुरू कर रहे हो ना, ये कम से कम 90 लाख लोगों की 9 पीढ़ियां सुधारने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। जो भी इस काम में इनरोल हो गया, जो भी इस काम में ऐड हो गया, जिसने देखिए होम मीटिंग खाली हमने देखनी नहीं है, हमने यहाँ दर्शक अब कोई नहीं है, यहाँ इस अब जो 60 दिन में हम करने वाले हैं उसमें दर्शक कोई नहीं है, जो भी है वो सब प्लेयर है, कोई ऑडियंस नहीं है। जो होम मीटिंग आप यहाँ देखोगे अगले दिन अपनी टीम में डुप्लीकेट करो, जो होम मीटिंग आप देखोगे अगले दिन अपनी टीम में डुप्लीकेट करो। होना ये चाहिए कि इसी महीने से कम पूरे हिंदुस्तान में 10,000 होम मीटिंग डुप्लीकेट होनी चाहिए, तब असली मजा, तब असली फायदा इस होम मीटिंग का आएगा। तो मुनीश जी स्वागत है आपका, जोरदार तालियां हम आपके लिए बजाना चाहते हैं। और साथ ही स्क्रीन पर मैं ऐड करना चाहूंगी हमारी होम मीटिंग क्वीन सुग्रा अमीन जी को। मैं दोनों लीडर्स के हवाले दोस्तों आपको कर रही हूँ, और बिलीव कीजिए यू आर विद द बेस्ट। दिस इज रियली अमेजिंग। सुग्रा दीदी स्वागत है आपका। थैंक यू सुरेखा, थैंक यू सो मच। आप लोग जो करने जा रहे हो उसकी इम्पोर्टेंस आई थिंक हम सबको पता है, और सारे हिंदुस्तान की तरफ से मैं एडवांस में आप दोनों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया फॉर योर पैशन, फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर कमिटमेंट, एंड लव यू अलॉट। आई कैन जस्ट से लव यू अलॉट। Love you too, Surekha. Love you. Over to you. आप लोग प्लीज शुरू कीजिए और सिखाइए हिंदुस्तान को कैसे सफलता पाई जाती है। All the very best. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, दोस्तों जैसे कि सुरेखा मैम ने आपको बता ही दिया है कि कैसे दोस्तों ये 9 दिन का जो हमारा थीम बेस्ड जूम में होम मीटिंग होगा दोस्तों, उसको प्रमोट करके कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो जैसे दोस्तों सुरेखा मैम ने बताया कि ये 9 दिन की जूम मीटिंग नहीं होगी दोस्तों, 9 दिन का त्योहार होगा। सो बहुत बढ़िया तरीके से दोस्तों आप भी इस त्योहार में अपनी इन्वॉल्वमेंट ले आइए, और अपनी टीम में दोस्तों मैक्सिमम लोगों को इस त्योहार में लेकर आइए। सो अभी दोस्तों जिस शख्सियत है आपको मिलवाना चाहता हूँ दोस्तों, वो पर्सन नहीं पर्सनैलिटी है। वो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि कैसे आप दोस्तों होम मीटिंग कर सकते हो, और कैसे होम मीटिंग के बेस में दोस्तों आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, और कैसे हम दोस्तों ऑनलाइन जूम के ऊपर होम मीटिंग कर सकते हैं। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जिस शख्सियत को इनवाइट करने जा रहा हूं दोस्तों, वो पंजाब के फर्स्ट GBD हैं,
और दोस्तों फास्टर जीबीडी है, महीने का 10 लाख रुपया कमाते हैं, जैगवार जैसी दोस्तों गाड़ी चलाते हैं, उनकी टीम में दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपया बना रहे हैं। आज वो दोस्तों आपको सिखाने जा रहे हैं कैसे होम मीटिंग ऑनलाइन कर सकते हो आप और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। सो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर मनीष चोपड़ा जी। सो ओवर टू मनीष सर। थैंक यू वेरी मच। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी जिंदगी में, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा अपलाइन से कैसे बने लखपति, बोले करनी पड़ती है होम मीटिंग बार बार, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है, हर रोज प्लान दिखाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर मोदी केयर के अंदर लखपति बनना चाहते हो तो होम मीटिंग हर रोज करनी पड़ेगी। सो मेरा नाम मनीष चोपड़ा, बाय प्रोफेशन आईटी प्रोफेशनल हूं, और इस बिजनेस से पहले मैं एक हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी इंफोसिस वहां पे जॉब करता था, बाद में अपनी कंसल्टेंसी का भी काम किया। माय वाइफ पूजा चोपड़ा, वो भी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है। तो सपने बहुत बड़े बड़े थे जो कि ना तो जॉब से पूरे हो पा रहे थे और ना ही अपने काम से पूरे हो रहे थे। तो मैं को ढूंढ रहा था दोस्तों, अचानक एक फोन कॉल आया और उन्होंने बोला एक बहुत अच्छा बिजनेस है जो आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, घर से रह के कर सकते हो, आईटी प्रोफेशनल था। तो मैं समझ गया, और जब मैंने देखा इस बिजनेस के अंदर हर प्रोफेशन के लोग कामयाब हैं, फिर मैंने भी डिसीजन लिया और आज 7 साल हो चुके हैं दोस्तों विद द ग्रेस ऑफ गॉड। 4 गाड़ियां ली इस बिजनेस में, केटन, स्कोडा, फॉर्च्यूनर, जैगवर जैसी गाड़ियां ली, एक बहुत प्यारा विला लिया, फ्लैट लिए, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप लिए। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मेरा चेक 103 रुपए का था, अब एवरेज इनकम मेरी महीने की 10 लाख रुपया है। ये क्यों हुई दोस्तों, और स्पेशली ये जो मेरी इनकम हुई पिछले लॉकडाउन से पहले तकरीबन 5-5.5 लाख की थी, ए विद इन फर्स्ट लॉकडाउन ये इनकम डबल होगी दोस्तों। क्यों हुई? क्योंकि हमने जो होम मीटिंग कर करके 5 लाख तक पहुंचे थे वो हमने कंटिन्यू रखी और उनका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया था जूम के ऊपर, जिसके कारण दोस्तों इनकम हमारी डबल हो गई और मैं वन सीयर क्लब मेंबर के अंदर आ गया। आज मैं वही आपको बताऊंगा कि होम मीटिंग आपको पता है जैसे हमारी बैकबोन होती है पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी टॉप नेटवर्कर्स हैं, मल्टा मिलियनर्स हैं नेटवर्कर अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्री दोस्तों, उनके बिजनेस की एक कॉमन चीज है, वो क्या है दोस्तों? होम मीटिंग। जिस भी लीडर ने इस इंडस्ट्री के अंदर होम मीटिंग की है और कंटिन्यू की है और उनकी डुप्लीकेशन की है दोस्तों, वो आज करोड़पति हैं, करोड़ों रुपया महीने का कमा रहे हैं। दूर क्या जाना दोस्तों, अगर हिंदुस्तान की बात करें, आज वो शख्स जो के पूरी एंटायर एमएलएम इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं, सबसे आगे बढ़ के ग्रो कर रहे हैं और उनकी महीने की इनकम जिनकी 125 करोड़ रुपया है, उनके भी बिजनेस की जो बैकबोन है वो होम मीटिंग ही है, जिनका नाम है डॉक्टर सुरेखा भरद्वाज जी। लेकिन अब दिक्कत थोड़ी सी ये है कि जैसे ही कोरोना आया, पहले लोग होम मीटिंग सब करते थे, सबको पता है होम मीटिंग कैसे करनी है, लेकिन जैसे ही कोरोना आया हमने फिजिकली जाना बंद कर दिया, फिजिकली होम मीटिंग बंद कर दी। तो अब क्या करें? जहां तो लोग परिवर्तन करते हैं जिसमें 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं, राइट, वो भी अच्छी है। जैसे पहले हम बीओम करते थे ना, ऐसे हम आजकल परिवर्तन करते हैं, हर ने अपना अपना दिन फिक्स किया हुआ है। जैसे सुरेखा जी के प्लेटफॉर्म के ऊपर एवरी थर्सडे एवरी संडे को परिवर्तन होती है, उसमें 1000 लोग तो जूम पे होते हैं, 1000 लोग फेसबुक के ऊपर हैं, दैट इज नॉट अ होम मीटिंग। होम मीटिंग अगर ऑफलाइन देखें तो क्या होती थी होम मीटिंग? एक घर के अंदर 3-4 गेस्ट होते थे, उनके साथ हम इंट्रैक्शन करते थे, क्लोज इंट्रैक्शन करते थे, बातचीत करते थे, रिलेशन बिल्डिंग होती थी और वो भी कंफर्टेबल, और उनको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते थे और फिर उनकी ज्वाइनिंग करवाते थे, क्लोजिंग करवाते थे और एक बॉन्डिंग बनती थी, और होम टू होम उसी होम मीटिंग से फिर हम अगली होम मीटिंग निकालते थे। ये हम करते थे पहले, लेकिन अब जूम पे टोटल डिफरेंट है दोस्तों। आज का जो सेशन है वो आपको पहले तो ये बताएंगे कि होम मीटिंग के थोड़े बेनिफिट क्या होते हैं और जूम की होम मीटिंग के स्पेशली क्या बेनिफिट हैं, जूम के ऊपर कैसे आपने होम मीटिंग करनी है और कैसे आपने इसकी डुप्लीकेशन करनी है और कैसे अपने लाखों रुपए बना सकते हो इससे, उसके बारे में थोड़ी बातें करेंगे। आज थोड़ा टेक्निकल भी आपको बताएंगे कि जूम के ऊपर कैसे कैसे किस किस सीक्वेंस के अंदर आपने होम मीटिंग करनी है, ठीक है। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं सीधा अपनी पीडीएफ शेयर करता हूं। सो जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। तो आइए चलते हैं दोस्तों हम
होम मीटिंग की तरफ, जूम होम मीटिंग्स। जूम होम मीटिंग हमें करनी क्यों चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हम ऑफलाइन होम मीटिंग करते थे, सेम वैसे ही हमने जूम होम मीटिंग करनी है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, वो फिजिकल करते थे, डिजिटल करनी है। वहां पर फिजिकल सारा कुछ काम करते थे हम, यहां पर जूम के ऊपर हमने सारा काम करना है, ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है, स्पेशली होम मीटिंग बोल लो या जूम की होम मीटिंग बोल लो। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों ये है कि एक कंफर्ट लेवल रहता है, आप घर पे रह के होम मीटिंग कर सकते हो। ये इजिएस्ट टूल है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम फास्ट डुप्लीकेशन कर सकते हैं टीम के अंदर। क्योंकि जब आप होम मीटिंग करते हो ना, तो लोग इतना हेजिटेट नहीं करते, क्योंकि पता है कि एक घर के अंदर बैठे हुए हैं, कोई ऑडिटोरियम में बैठे हो, कुछ थोड़ा पता गलत भी बोलते तो चलता है। और ये सबसे सस्ता टूल है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर डुप्लीकेट करने के लिए। कहीं मान लो आपने बाहर जाना मीटिंग करने, आपका तेल का खर्चा लगेगा, टाइम भी लगेगा, सारा कुछ लगेगा दोस्तों, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। लेकिन यहां पर क्या है, होम मीटिंग के अंदर क्या होता है, चाहे ऑफलाइन बोलो या आप ऑनलाइन बोलो, आप घर पे रह के, कोई खर्चा नहीं होता इसका, घर पे रह के आराम से एक बढ़िया सी मीटिंग कर सकते हो। चाहे उनको थोड़ा सेकंडरी पिला दो या चाय पिला दो, ठीक है, इट सेव योर मनी, टाइम एंड एनर्जी। और अगर जब आप होम मीटिंग करना शुरू करते हो, यू ग्रूम योर सेल्फ, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है दोस्तों। पहले आप सीधा स्टेज पे नहीं आगे बोल सकते, लेकिन जब घर पे होम मीटिंग करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप छोटी स्टेज के ऊपर बोलते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करना शुरू करता है दोस्तों। वहां पर जब आप एमसी कैसे करते हो, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, डेमोस्ट्रेशन कैसे करने हैं, सारा कुछ आप सीखते हो। लोगों को इन्वॉल्व कैसे करना है, लोगों के साथ ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है आप ये सीखते हो। फिर लोगों से ऑर्डर कैसे लेना है, फॉर्म कैसे भरना है, फिर रिलेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, फिर एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग कैसे निकाल, ये सारी चीजें आप वहां से सीखते हो। और मोर ओवर काम करते करते आपको ट्रेनिंग मिलनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी या पहले आप परफेक्ट हो जाएगा फिर होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये होम मीटिंग करते करते आप सीखना शुरू कर देते हो। और अगर आप लोगों ने होम मीटिंग का कल्चर बिल्ड कर दिया ना दोस्तों, बिलीव मी, कभी भी चाहे कोई ऑफर आए चाहे जाए, लेकिन हमेशा आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी रहेगी। जो लोग अपने ग्रुप के अंदर होम मीटिंग का कल्चर नहीं डेवलप कर पाते दोस्तों, उनका बिजनेस ऊपर तो चले जाता है, लेकिन एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है दोस्तों। होम मीटिंग एक ऐसा टूल है जिसको हम इजीली डुप्लीकेट करके अपनी टीम्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और मोर ओवर दोस्तों, जितनी ज्यादा हम इनपुट डालेंगे, नंबर ऑफ होम मीटिंग जितनी ज्यादा डालेंगे, उतना ही आपका धंधा बढ़ेगा, उतना ही आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। तो ये है बेनिफिट्स होम मीटिंग के या जूम होम मीटिंग के, ठीक है। देन पर्पस क्या है जूम मीटिंग का, एक्चुअली व्हाई वी आर स्टार्टिंग जूम होम मीटिंग्स, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी पिछले 3-4 महीनों के अंदर नो डाउट ग्रोथ हुई है, लेकिन जो नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स है, जितनी आनी चाहिए हो रही है, बहुत मैसिव एक्शन हो रहा है, लेकिन जितनी आनी चाहिए थोड़ी सी कहीं ना कहीं कसर है दोस्तों। तो होम मीटिंग कल्चर इसलिए बिल्ड करना जरूरी हो गया है दोस्तों, इसलिए सिखाना जरूरी हो गया है, ताकि हम नए नए कस्टमर डिजिटली क्रिएट कर सकें, डिजिटली, राइट। देन न्यू ज्वाइनिंग, न्यू स्पॉन्सरिंग हम डिजिटली भी कर सकें, क्योंकि अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गो टू द फील्ड, फील्ड में जाना ये सही टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन डिजिटली अगर हम ये सीख लें कि कस्टमर कैसे बनाने हैं, न्यू ज्वाइनिंग कैसे निकालनी है होम मीटिंग कर करके, तो दोस्तों बिलीव मी आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। और साथ में हमने आइडेंटिफाई करना है जूम मीटिंग, जूम की होम मीटिंग कर करके, कि वहां पर कौन से लोग हैं जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, जो बढ़िया बोल रहे हैं, ताकि हम उनको और आइडेंटिफाई करके उनको और डेवलप कर सके, उनको एम्पावर कर सके, उनको जो स्किल्स जरूरत है लखपति बनने के लिए सारा कुछ सिखा सके। तो मतलब क्या है, लीडर्स को आइडेंटिफाई करना और लीडर्स को डेवलप करना डिजिटली, ये हमारे 4 मेन पर्पस हैं जूम होम मीटिंग को करने के लिए। और आज आपको मैं वही बताऊंगा कि जूम के ऊपर होम मीटिंग कैसे करते हैं। देखो, दो तरह के हम इनवाइट करते हैं, जैसे ऑफलाइन करते हैं ना, एक तो हम अपॉर्चुनिटी बेस्ड कर देते हैं, या फिर हम प्रोडक्ट बेस्ड कर सकते हैं, या सस्पेंस बेस्ड कर सकते हैं। लेकिन जूम के ऊपर मुझे ऐसे लगता है दो जो इन्विटेशन हैं ये बढ़िया रहेंगे। पहला है सीधा ही मनी अप्रोच, ठीक है, मतलब अपॉर्चुनिटी अप्रोच अगर हम लगाएं तो उससे क्या होगा, वो सीधा हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, थीम बेस्ड। थीम बेस्ड हम इनवाइट कैसे कर सकते हैं लोगों को, मान लो आपने जैसे अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना के रिलेटेड कोई थीम बनाना है आपने,
उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जहां अभी आजकल जैसे एग्रीकल्चर स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का टाइम आ चुका है, चावल की फसल लोग बीज रहे हैं, उसको हम थीम बना सकते हैं, जहां रोज फेशियल होता है उसको थीम बना सकते हैं, आजकल लोगों को इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया होना चाहिए लोगों का, तो उसको लेकर हम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लेडीज लव टू प्ले तंबोला, वो भी एक थीम हो सकता है। तो कुछ मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ, ये देखिए जो हम अगले कुछ दिनों के अंदर करने जा रहे हैं वो ये सारे हमारे कुछ थीम्स हमने लिए हैं विद द हेल्प ऑफ अंडर द मेंटरशिप ऑफ सुरेखा जी। ये रोज फेशियल हम वर्कशॉप करने जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, ये सबको प्रमोट करना है, ये लिंक आपने फेसबुक के ऊपर डालना है, ये पोस्ट जो बनी है, ये जो डिजाइन बना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर डालो। तो जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं वहां पर आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने गेस्ट इनवाइट करने हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों ने अपने गेस्ट इनवाइट करने हैं, मैक्सिमम गेस्ट इनवाइट करने हैं। किन लोगों को ज्यादा आपने प्रेफर करना है, जो सुंदर दिखना चाहते हैं, राइट, जो ओल्ड एज में भी यंग दिखना चाहते हैं, जो फेशियल के बारे में सीखना चाहते हैं और जो पैसा कमाना चाहते हैं, नो डाउट, ठीक है। उन लोगों को आपने बोला भी ये फ्री हम एक जूम सेशन कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट आपको देने की जो टेक्स्ट है वो जरूरत नहीं, ये बना बनाया आपको डिजाइन ही मिल गया दोस्तों, ये आप उनको दे दो डिजाइन, अपने आप उनको इन्वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो देन सेकेंड जो होगा थीम हमारा वो ये होगा, लेट्स बीट कोरोना, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, ये तो हर घर की जरूरत है, लोग कोरोना से कितने परेशान है आप लोगों को पता है, तो उनको हम ये थीम देके इनवाइट करना है, दबा के प्रमोशन करनी है, ठीक है। थर्ड थीम है रेडिएशंस, जैसे आजकल हवा का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पानी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ना आजकल हवा शुद्ध है ना पानी शुद्ध है, ठीक है, तो करें क्या। लेकिन एक और बहुत बड़ा पोल्यूशन है दोस्तों, जो के स्पेशली लॉकडाउन के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो है रेडिएशंस का, राइट। तो व्हाई आजकल सभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, ठीक है, पेरेंट्स भी यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया लोग यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है दोस्तों। तो ये एक थीम बनाया, ये एक इन्विटेशन है, ठीक है। ये आप अपने व्हाट्सएप पे डालो, व्हाट्सएप के ऊपर ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, आप वहां पर आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो लोगों को, ठीक है। फेसबुक के ऊपर डालिए, स्टोरी के अंदर डालिए आप। देन अगला है मनी का, पैसा बनाना चाहते हैं, नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क नो लॉस नो बॉस, ठीक है। इस होम मीटिंग के अंदर आपको सिखाया जाएगा मनी प्लान कैसे करना, ठीक है। और ये है हमारा लर्न डेली स्किन केयर एंड बॉडी पॉलिशिंग एट होम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मेन हमारा फोकस इसी के ऊपर रहता है, जिस थीम के ऊपर हम होम मीटिंग कर रहे हैं जूम के ऊपर या ऑफलाइन कर रहे हैं, बेस हमारा इसी के ऊपर रहेगा। पहले 15-20-25 मिनट हम इसके बारे में बताएंगे, ताकि अगले को ये ना लगे यार बोला तो हमें कुछ और था, दिखा कुछ और रहे हैं। तो हमने क्या करना है, जो आपको सिखाना है होम मीटिंग के अंदर, पहले हम इसके बारे में बताएंगे, फिर हाउ वी कनेक्ट दिस थीम टू द अपॉर्चुनिटी वो हम बताएंगे आपको। एंड पे तो भैया हमें ज्वाइनिंग ही चाहिए ना, या ऑर्डर चाहिए या ज्वाइनिंग चाहिए। तो ये भी आपको सिखाएंगे जूम के ऊपर हम, इस पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर थीम जो लेते हैं उसको 20-25 मिनट उसके बारे में बात करते हैं, फिर उसको हम पैसों के साथ अपॉर्चुनिटी के साथ हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देंगे दोस्तों, ठीक है। वो हम मॉक सेशन करेंगे जो चलेंगे हमारे, उसके थ्रू आपको सीखना है, लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा अपने गेस्ट बुलाने हैं दोस्तों। देन इम्यून सिस्टम, आजकल आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हुआ वो बच गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ भगवान की कुछ ऐसी मर्जी थी वो दुनिया में नहीं रहे। तो जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये मानना है, जो लोग सुना है, कि जिसका इम्यून सिस्टम ज्यादा बढ़िया होगा वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो उससे बच के निकल जाते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होता है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो आजकल हर कोई इंसान चाहता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया रहे, तो ये भी एक थीम है। उस दिन हम हमारे जो जैसे वेल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, उनके बारे में बताएंगे, और बहुत ही इंटेलिजेंटली उस चीज को अपॉर्चुनिटी के साथ एंड पे कनेक्ट करेंगे। और वो फिर आप देखना भी हम कैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, कैसे लोगों के टेस्टिमोनियल लेते हैं, तो वो सारा कुछ आपने सीखना है इसमें, ठीक है। देन है डिजिटल तंबोला,
आजकल लेडीज घर पे होती हैं, लेडीज लव टू प्ले तंबोला। ये एक ऐसी गेम है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, जब मर्जी आप फीमेल को इनवाइट कर सकते हो तंबोला खेलने के लिए। हर कोई बड़ा शौकीन है तंबोला खेलने का, लेकिन अब तंबोला तो खिलाना है हमने, जब बुलाएंगे तो जूम के ऊपर हम तंबोला ही उनको खिलाएंगे। लेकिन आपने देखना है भी तंबोला खिलाते खिलाते पहले 20-25 मिनट तंबोला खिलाया, उसके बाद कैसे हमने उस तंबोला को अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ दिया, ये हम आपको वहां पर सिखाएंगे दोस्तों। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। सुरेखा जी ने बिल्कुल सही बोला दोस्तों, ये 9 दिन की वर्कशॉप नहीं है, ये 9 दिन का मेला है दोस्तों, सबने अटेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आना है। देन कुछ आपको टिप्स देता हूं, जूम के ऊपर जब आपने होम मीटिंग करनी है तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों, जब भी आपने होम मीटिंग बुक की है तो प्लीज एक बार आपने डेट और टाइम सेट कर दिया तो फिर दोस्तों उसको आगे नहीं टालना, डोंट प्रोक्रास्टिनेट, डेट चेंज नहीं करनी दोबारा। कुछ फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, चाहे उसमें एक गेस्ट आया है, चाहे दो आया है, चाहे तीन आया है, ठीक है, चाहे फ्लॉप शो ही क्यों ना हो, शो मस्ट गो ऑन। होम मीटिंग, ऑफलाइन होम मीटिंग में हम यही बताते हैं कि होम मीटिंग आपने बंद नहीं करनी है। कभी भी आप किसी एक होम मीटिंग में जीबीडी नहीं बन सकते, लेकिन होम मीटिंग करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे, पक्का आप जीबीडी बन जाओगे दोस्तों, ठीक है। कोई भी मीटिंग आपकी, ये नहीं माना ये मेरी मीटिंग फ्लॉप होगी, 2-3-4 दिन की होम मीटिंग, बाद में मान लो रिजल्ट नहीं आया तो आप चुप करके बैठ गए, ऐसा कभी नहीं करना दोस्तों, ठीक है। हमेशा जो आपने एक बार डेट टाइम सेट कर दिया सो कर दिया, टाइम आगे पीछे नहीं करना उसको। और मैं यकीन दिलाता हूं, शुरू में अगर आपको रिजल्ट नहीं भी अच्छे मिलेंगे जूम के ऊपर, डोंट वरी, मैं जीती जागती एग्जांपल हूं, सुग्रा जी जीती जागती एग्जांपल आपके सामने। मैंने खुद, मुझे याद है पिछले साल अप्रैल के अंदर मेरा चेक, मई का चेक 5,21,000 रुपए के करीब था, मैं कल ही थोड़े दिन पहले देख रहा था। तो ये दोस्तों जूम के ऊपर हमने होम मीटिंग की है, उसी का रिजल्ट है कि मैं 1 सीयर क्लब मेंबर में एंटर कर गया। शुरू में हमें भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिले थे दोस्तों, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। आपने लगे रहना, कोई भी एक दिन में रोज जूम होम मीटिंग करनी हमने एवरी डे, पहले भी तो हम हर रोज ही करते थे ना, एक दिन में 2-3 दिन भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने हर रोज एक टाइम फिक्स कर लो पक्का, जैसे ऑफलाइन करते हैं ना, टाइम फिक्स होता है कि इसके घर पे जो भी न्यू ज्वाइनी आपके साथ हुआ उसके साथ टाइम सेट कर लो, भैया आज मैं तेरी इतने बजे होम मीटिंग सेट करूंगा। तो टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है, इतने इतने ये स्लॉट है मेरे, इसमें मैं जूम होम मीटिंग ही करूंगा। एक स्लॉट किसी को दे दिया, एक किसी को दे दिया, किसी को दे दिया। तो ऐसे जब आप अपनी डाउनलाइन की जूम होम मीटिंग करना शुरू कर दोगे जैसे ऑफलाइन करते थे सेम वे, ठीक है, तो होगा क्या, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। एक बार आपने 7-8 होम मीटिंग, जूम होम मीटिंग कर दी ना अपनी डाउनलाइन की, वो भी सीख जाएगा, वो डुप्लीकेट कर देगा और बहुत बड़ा धमाका होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो डेज फिक्स कर लीजिए कि मंडे को मैं अपनी जूम होम मीटिंग यहाँ करूंगा और यहाँ करूंगा। देखो पहले क्या होता था, ऑफलाइन क्या होता था, 1 घंटा हमें जाने में लग जाता, स्पेशली मेट्रो जैसे सिटी में तो भैया 2-2 घंटे लग जाते जाने में यार। तो यहाँ पर क्या है, कोई आपका ट्रैवलिंग का टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा दोस्तों। तो रख लो कि मंडे को मैं 2 जूम होम मीटिंग करूंगा, 1 जूम होम मीटिंग में करूंगा शर्मा जी की, 1 जूम होम मीटिंग में करूंगा सिंह साहब की। ट्यूसडे मैं यहां पर जूम होम मीटिंग करूंगा इस टीम की, और वेडनेसडे में ऐसे करो। करते करते जो भी आपके पास 6-7 दिन है वो आप फिक्स कर लो, ये ऐसे ऐसे मैं करूंगा सारा, और डुप्लीकेशन करते जाओ तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। फिर क्या है, एक थीम फिक्स करना आपने, और आपने अपने गेस्ट को वैसे ही इनवाइट करना, ठीक है। अगर कहीं पर आप आपको पता भी वहां पर हेल्थ का ज्यादा स्कोप है, ठीक है, मनी प्लान नहीं दिखाने की जरूरत, तो वहां पर हेल्थ प्लान दिखाना है। ये यू हैव टू आइडेंटिफाई द नीड, पहले थीम सेट कर लो भी कौन सी थीम पे करनी है। मान लो रोज फेशियल का थीम है, तो आपने थीम सेट कर ली तो अपने गेस्ट को अकॉर्डिंगली आप इन्वाइट भेजोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप प्रमोट तो हेल्थ का कर रहे हो, इन्विटेशन आप दूसरा भेज रहे हो, तो वो उसको कोरिलेट करना है, ठीक है। फिर जैसे ही आपने एक वो सेट कर लिया, तो आप जो भी होम मीटिंग वगैरह कर रहे हो, अगर लार्ज ग्रुप के कर रहे हो, जिस बंदे की टीम की कर रहे हो, मान लो मेरी डाउनलाइन में है शर्मा जी, तो शर्मा जी का मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ, तो शर्मा जी को बोलना है, शर्मा जी व्हाट्सएप के ऊपर आप ये वाला जो इन्वाइट है वो लगा लो आप, ठीक है, जहाँ जिन लोगों को आपने भेजना है ये इन्वाइट, जिन जिन कस्टमर को भेजना है उनको भेज दो, जहाँ आप सोशल मीडिया पे कुछ डालना चाहते हो तो वहां पर भी आप डाल सकते हो,
ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, आपने एक तो एमसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो एमसी कौन होता है, मास्टर ऑफ सेरेमनी, जो के प्रेजेंटर को इनवाइट करता है। पहले भी तो हम ऑफलाइन भी ऐसे ही करते थे, जिसको हम होस्ट बोलते हैं। मान लो मेरे घर पे होम मीटिंग हो रही, तो आई एम एमसी, आई एम द होस्ट, ठीक है। तो जो भी लोग घर पे आते थे, उनका वार्म वेलकम करता है एमसी, है ना, उनके साथ इंट्रोडक्शन करता है। और प्रेजेंटर क्या करता है, वो प्रेजेंटेशन देता है। प्रेजेंटर माइट बी अपलाइन, और कुछ केसेस में ऐसे भी होगा, जूम के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास इतने बंदे नहीं है, तो कोई बात नहीं, एमसी भी खुद कर लो, प्रेजेंटर भी खुद बन जाओ। अगर ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो सारे काम खुद भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। एक बात याद रखना, डिपेंड ऑन नन, रिलाई ऑन सम, ठीक है। वैसे क्या है, जो प्रोटोकॉल है, एक एमसी होना चाहिए, ठीक है, एक प्रेजेंटर होना चाहिए, और कुछ हमारे पास टेस्टिमोनियल भी होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के। अब अगर मान लो जूम के ऊपर आपके पास टेस्टिमोनियल नहीं है, मान लो कि डॉक्टर आ गया और डॉक्टर आपके पास कोई है ही नहीं टेस्टिमोनियल दिखाने के लिए, तो क्या करना है, कोई टेंशन नहीं है, जूम के ऊपर तो बहुत ईजी है। क्या करना है, जो 3-4-5 डॉक्टर पकड़ लो, कनेक्ट मैगजीन है हमारे पास, वहां पर फोटो खींच के स्क्रीन के ऊपर दिखा दो आप, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये जिस भी प्रोफाइल के आपने टेस्टिमोनियल दिखाने हैं, अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है यार। आप वन मैन भी आप सारी की सारी जूम हो मीटिंग कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं डॉक्टरों के, इंजीनियर्स के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के, बिजनेसमैन के, हाउसवाइफ्स के। मान लो आपने सुरेखा जी को इन्वाइट करना है, आप सुरेखा जी नहीं अवेलेबल, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उनका कोई वीडियो क्लिप चला दो यार वहां पर स्क्रीन शेयर करके, या फिर उनके चेक का फोटो दिखा दो, उनकी फोटो दिखा दो, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोफाइल के टेस्टिमोनियल आपने दिखाने हैं। कोशिश ये करनी है, जिस जिस प्रोफाइल के लोग आपको पता होगा जो इनवाइट कर रहे हैं, उस प्रोफाइल से अगर मिलते जुलते टेस्टिमोनियल होंगे तो रिलेटेबिलिटी जल्दी हो जाती है, ठीक है। देन लिमिटेड गेस्ट इन जूम होम मीटिंग। देखो, एक हम प्रवर्तन करते हैं, उसमें तो हम 100-200 लोगों को चाहे बुला लें, लेकिन होम मीटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम 3-4-5 लोगों को बुलाते हैं। यू नो वाई, सो दैट हम उनके साथ ना एक बढ़िया इंटरेक्शन कर सके, बातचीत कर सके। मान लो अगर आपने होम मीटिंग के अंदर, जैसे ऑफलाइन करते हैं, अगर कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि होम मीटिंग के अंदर आपने 50 गेस्ट बुला लिए, वो तो फिर एक प्रवर्तन होगी ना, वो तो फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होगी, वहां पर आप क्लोज इंटरेक्शन नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी जूम होम मीटिंग करने के बजाय छोटी छोटी 2 कर लो या 3 कर लो। वाई, उससे क्या होगा, हमने ना जो गेस्ट बुलाने हैं उनसे इंटरेक्शन भी तो करनी है ना। तो मेरी राय ये है कि आप 4-5 गेस्ट को ही आप अगर होंगे जूम मीटिंग में तो बढ़िया रहेगा, बाकी आप अपनी अपलाइन से कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन 4-5 लोग आए तो उसके लिए बुलाना कितनों को पड़ेगा, बुलाना 4-5 को नहीं पड़ेगा। कोशिश करिए मिनिमम डबल या 3 गुना, मिनिमम डबल या 3 गुना लोगों को इनवाइट करो। उसमें से आधे लोग तो शर्तिया आएंगे नहीं, ठीक है, ये सबकी लॉ ऑफ एवरेज है। तो जितने आप, मान लो आप 4 लोगों को इनवाइट करना चाहते हो, तो कॉलिंग कितने को करनी है, कम से कम 10-12 लोगों को कॉल करो, फिर 4-5 लोग आएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। तो जूम होम मीटिंग को जूम प्रवर्तन नहीं बना देना, ये याद रखना दोस्तों। प्रवर्तन हमारा अलग इवेंट है, प्रवर्तन भी हम करते ही हैं, वीक में 1-2-3 करते हैं, वो अलग इवेंट है, ये अलग इवेंट है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने क्या बोलते हैं ना, क्लोज्ड इवेंट है ये हमारा, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखना है, उतने लोग बुलाने जिनसे हम इजीली इंटरेक्शन कर सकें। देन आपने जो जूम का स्क्रीन का बैकड्रॉप होता है ना, जैसे वो आप ध्यान से देखोगे ना, जब मीटिंग शुरू हुई थी ये वाली आज की, तो एक इधर पोस्टर लगा आ रहा था, एक में सुग्रा जी थे, एक में मैं था। तो जब होम मीटिंग शुरू करनी जूम के ऊपर आपने, तो ऐसा कोई बढ़िया सा ना पोस्टर, या फिर जो थीम बेटर रहेगा, जिस थीम के बेस पे आपने बुलाया है, वो थीम वहां पर आप लगा दो, ठीक है। उससे ना बड़ा प्रोफेशनल सा लगता है। फिर फ्री टाइम के अंदर आपने देखा होगा निशान जी ने म्यूजिक लगाया होता, मोटिवेशनल म्यूजिक, तो आपने भी क्या करना, जो वेटिंग टाइम है ना, वहां पर कोई बढ़िया सा म्यूजिक लगा दो आप, ठीक है। फिर आपने जूम को सीखना है थोड़ा सा, ठीक है, कैसे हम लोगों को म्यूट ऑल करते हैं, कैसे जो ये एमसी की ड्यूटी होगी, कैसे एमसी ने लोगों को स्पॉटलाइट पे लेकर आना है, कैसे सबको लोगों उनको म्यूट करना है, ताकि कोई फालतू बोले ना, ऐसे ना हो कि वो गलत मलत बोलता रहे और आवाजें सभी लोग सुन रहे हैं। फिर एमसी ने ही इंस्ट्रक्शन देनी है, कि कई लोग लेट के देख रहे होते हैं, तो वो बड़ा बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो जैसे हम होम मीटिंग में नहीं बोलते मोबाइल फोन बंद कर लो,
कोई भी कॉल है तो आपने बाहर जाके सुनी, कुछ गाइडलाइन देते, तो ऐसी आपने गाइडलाइन देनी है। तो बेसिक्स आपने सीखने हैं सारे, स्क्रीन को कैसे शेयर करना है, बैकड्रॉप कैसे लगाना है, म्यूजिक कैसे शेयर करना है, म्यूजिक कैसे चलाना है, सबको म्यूट कैसे करना है, अनम्यूट कैसे करना है, वीडियो कैसे चलानी है, स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, ये जो बेसिक फंडामेंटल ये आपने सीखने हैं। और उसके लिए क्या करना है, पिछले सैटरडे को निशांत जी ने एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त एक प्रेजेंटेशन दी थी, हाउ टू यूज जूम फॉर योर होम मीटिंग्स, वो आपने दोबारा देख लेनी है। सुरेखा जी के फेसबुक के ऊपर वो वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, तो वो प्लीज आप लोग देखिए और आप लोग मीटिंग करनी शुरू करिए। बात दोस्तों एक बार याद रखना, आप कितनी मीटिंग अटेंड करते हो इससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप कितनी मीटिंग खुद करते हो उससे आपकी ग्रोथ होगी, ये बात याद रखना। वाई, अगर आप खुद मीटिंग अटेंड कर रहे हो वेरी गुड, आप सीखोगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, लेकिन पैसा तभी आएगा, पैसा तभी बढ़ेगा जब आप खुद मीटिंग करना शुरू करोगे। सो जूम के ऊपर खुद मीटिंग शुरू करने के लिए आपको पहले जूम सीखना पड़ेगा, और जितने आप छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर लोगों को ऑनरशिप दे दोगे, आप भी होम मीटिंग करो, आप भी होम मीटिंग करो, आप भी होम मीटिंग करो, कुछ कॉन्टेस्ट वगैरह चला सकते हो, उनको रेकोगनाइज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा माहौल बना सकते हो, जो भी लोग आपकी जूम की होम मीटिंग करते हैं उनको बढ़िया सा मोटिवेट कर सकते हैं। फिर हमने जूम के ऊपर जो एटिकेट्स होते हैं उनको फॉलो करना दोस्तों, जब भी आपने आना है तो बढ़िया आपने फॉर्मल ड्रेस के अंदर प्रेजेंटेशन देनी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी कैजुअल मूड में नहीं आपने बैठना, कैजुअल ड्रेस में नहीं बैठना, और शार्प नजर आ पाने चाहिए, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर मान लो जैसे बैकड्रॉप पीछे सही नहीं भी है कुछ एज पर स्टैंडर्ड, तो आप जैसे मेरे पीछे आप देख रहे होंगे 25 साल बेमिसाल, तो ऐसे भी आप बैकड्रॉप लगा सकते हैं, ठीक है, वो दैट इज अप टू यू, ठीक है। और ऐसा नहीं भी पीछे कोई कपड़े नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं भी आप मीटिंग वगैरह कर रहे हो जूम के और उधर आपका पेट्स हैं घर पे, डॉगी भौं भौं कर रहा है, या किचन में कुकर की सीटियां बज रही हैं, या बच्चे शोर मचा रहे हैं, उधर टीवी लगा है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। ये कुछ हमारे जूम के ऊपर एटिकेट्स जो उन्हें फॉलो करने होते हैं दोस्तों, ठीक है। और बिल्कुल एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है, जब आप कैमरे के सामने आ जाते हो दोस्तों, यू आर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के आप सामने होते हो, नजर में होते हो, तो बहुत ही ध्यान से आपने रिलैक्स होके चेहरे पे स्माइल लाकर काम करना है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप स्पॉन्सरिंग बढ़ाना चाहते हो ना, तो देखो जब हम ऑफलाइन होम मीटिंग करते हैं तो बड़े अपना अपनी बॉडी लैंग्वेज हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है ना, वार्मथ दिखा सकते हैं, पूरा हाथ मिला सकते हैं, उनको कई बार गले मिल लेते हैं, वेरी गुड फॉर यू, हाउ आर यू, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो जूम के ऊपर भी आपने वार्मथ दिखानी है, कैसे, चेहरे पे स्माइल, ठीक है। जब भी वो आते हैं, मान लो जैसे वेटिंग, जब वो जो एमसी होता है वो इंट्रोडक्शन करवाता है, तो पॉजिटिव टॉक आपने करनी है वहां पर, ठीक है, चेहरे पे स्माइल नहीं कभी जाने देनी, जितनी ज्यादा चेहरे पे स्माइल रहेगी उतनी ज्यादा आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। तो जूम एटिकेट्स को फॉलो करना है, और मीटिंग का सीक्वेंस आपने फॉलो करना दोस्तों। उसमें आपने क्या करना है, देखो ध्यान से आप सुनना है, दिस इज सबसे नंबर वन है, जो मीटिंग का टाइम अगर 11 बजे का है तो 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले हम लोग क्या करेंगे, जूम के ऊपर जैसे अभी पहले वो जो थीम था होम मीटिंग का वो लग जाएगा और एक म्यूजिक लग जाएगा। मुनीश, उनको जो भी गेस्ट आएगा उनको पता होगा भैया मीटिंग 11 बजे है तो शुरू होने वाली है ये मीटिंग। मुनीश आप अपनी, हाँ जी मैम, वीडियो ऑफ कर लो, थोड़ा सिग्नल वीक है तो वॉइस अच्छी आ जाएगी, वीडियो ऑफ कर लो आप अपनी। ओके, आवाज अटक रही है, आवाज अटक रही है, वीडियो भी अटक रही है। यस परफेक्ट, जस्ट अ मिनट। तो आपने क्या करना है, सीक्वेंस कैसे रहेगा, सबसे पहले आप ठीक है मैम, आवाज बिल्कुल ठीक है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने 10 मिनट पहले जूम के ऊपर होम मीटिंग शुरू कर देनी है और एक बढ़िया सा मोटिवेशनल म्यूजिक लगा देना है और जिस थीम के ऊपर हमने वॉलपेपर लगा देना है। अगर 11 बजे का टाइम है तो 11 बजे ही शुरू करो, नहीं तो 5 मिनट वेट कर लो आप, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों 11 बजे का टाइम रखा और 11:15 बजे शुरू कर रहे हो। हम एक बात याद रखना दोस्तों, हम डिजिटली होम मीटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन में क्या होता है भैया, एक बार घर पे कोई आ गया ना तो चाहे 10 मिनट लेट भी कर दोगे ना तो वो जाएगा नहीं, लेकिन यहां पर क्या है, विद इन सेकेंड्स लोग मीटिंग छोड़ के चले जाते हैं, तो स्पीड बहुत मैटर करती है जूम के ऊपर।
एक्साइटमेंट बहुत मैटर करती है, बोरियत नहीं आने देनी आपने हमेशा, मतलब एक कड़ी को दूसरी कड़ी के साथ ना ये बांध के रखना आपने, तो इसलिए थोड़ा फास्ट बोलना आपने, जोश के साथ बोलना है। जितना आप नॉर्मल ऑफलाइन होम मीटिंग करते हैं ना उससे ज्यादा जोश में आपने बोलना है यहाँ पर। वाय जितना आप एक्साइटमेंट रखोगे ना होम मीटिंग के अंदर तो उतना ही दोस्तों सामने आना बंद के रह जाएगा वहां पर। तो अब एमसी आएगा, एमसी ने क्या करना होता है, एमसी ने सबका वेलकम करना है, ठीक है, और सबको रिस्पेक्ट देनी है, और फिर एमसी जो प्रेजेंटर है उनको एडिफाई करेगा। एडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमसी प्रेजेंटर को इनवाइट करेगा पूरा विद वेरी ग्रेसफुल एडिफिकेशन, ठीक है। अब प्रेजेंटर जी आगे, अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन देना है, और एमसी जो है वो जो न्यू गेस्ट मीटिंग में आए हैं उनके साथ इंट्रोडक्शन कराएगा। अब न्यू गेस्ट से हम क्या पूछते हैं, उनका नाम पूछते हैं, प्रोफेशन पूछते हैं, और वन हॉबी। अब आपने ये नहीं बोल देना हाँ जी आप अपने बारे में बताओ, पता चले गेस्ट ही 5 मिनट बोल गया, नो नॉट मोर देन 30-40 seconds, क्योंकि टाइम कम है दोस्तों। फिर ऐसे जो भी बाकी गेस्ट हैं उनकी भी इंट्रोडक्शन प्रेजेंटर के साथ होगी। अब प्रेजेंटर जी क्या करेंगे, जो प्रेजेंटर होंगे जो भी थीम है उसके बारे में 20 से 25 मिनट के आसपास, डिपेंडिंग ऑन द थीम, जो हम थीम ले रहे हैं राइट, 20 से 25 मिनट हम उसके बारे में प्रेजेंटेशन देंगे जो भी हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, जब आपने अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो ना गेस्ट की, तो क्या करना है, कोशिश करनी है उन गेस्ट को स्पॉटलाइट पे ले आना, क्योंकि एट ए टाइम मेरे ख्याल से 9 लोग स्पॉटलाइट पे इकट्ठे ऐड हो जाते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर, तो वैसे इंटरेक्शन करनी है, ठीक है। उनको भी बढ़िया लगेगा यार भी हमें सामने फ्रंट लाइन स्पॉटलाइट पे लेके आ रहे हैं। फिर अब जब प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी, प्रेजेंटेशन 20-25 मिनट की खत्म होगी, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद होंगे टेस्टिमोनियल होंगे। आप उसमें 2 टेस्टिमोनियल ले लेना पैसे वाले, जिनको पैसे आते हैं, 2 टेस्टिमोनियल आप ले सकते हो जो प्रोडक्ट बेस है। अगर आपके पास लोग कम है, अब मान लो कोई सीनियर डायरेक्टर होम मीटिंग कर रहा है तो उसके पास भैया कोई 2 लाख वाला अपलाइन है, फ्री होगा तो ही आ पाएगा, नहीं तो नहीं पॉसिबल होगा। अगर नहीं भी आपके पास अपलाइन अवेलेबल तो क्या करना है, जो मैंने आपको बताया है, स्क्रीन शेयर करके उसका वीडियो दिखा दो, उसका लाइफस्टाइल दिखा दो, उसकी गाड़ियां दिखा दो, अपना चेक दिखा दो, उसका चेक दिखा दो, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। फिर अगला टेस्टिमोनियल शेयर कर लो। फिर ऐसे कुछ आपने प्रोडक्ट बेस्ड आपने टेस्टिमोनियल लेने, जिनको प्रोडक्ट अच्छे लगे और उन्होंने यूज किए और प्रोडक्ट यूज करते करते वो बिजनेस में आ गए और आज दे आर मेकिंग गुड मनी, ठीक है। तो अगर मान लो आप हो ही अकेले यार, आप डायरेक्टर लेवल पे हो, कोई है नहीं टेस्टिमोनियल देने वाला, तब भी कोई टेंशन नहीं लेने यार, 4-5 फोटोएं रख लो अपने पास, 2 उन लोगों की फोटोएं रख लो जिनको अच्छे पैसे आते हैं, 2 उन लोगों की फोटोएं रख लो जिस थीम के ऊपर, मान लो आप रेडिएशन के ऊपर होम मीटिंग कर रहे हो तो 2 लोगों उनकी फोटो रख लो जिनको रेडिएशन से फर्क पड़ा, वो फोटो शेयर कर दो स्क्रीन के ऊपर, और क्या। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर कोई अवेलेबल होता है लाइव तो इनवाइट कर लो, अगर नहीं भी है तो ऐसा नहीं होना चाहिए होम मीटिंग नहीं करनी। मान लो आपको एमसी नहीं मिला तो होम मीटिंग नहीं करनी, मान लो आपको टेस्टिमोनियल नहीं मिले होम मीटिंग नहीं करनी, मान लो आपको डेमो करने वाले नहीं मिले होम मीटिंग नहीं, ऐसे नहीं करना, अकेले ही कर दो फिर सारे काम देखी जाएगी, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। तो अब आपने उसके बाद क्या करना है, टेस्टिमोनियल हो गए, अब आपने क्या करना, जो प्रेजेंटर होगा नेक्स्ट पार्ट जूम के ऊपर, वो जो न्यू गेस्ट है उनके साथ बातचीत करेगा, ठीक है, हाय हेलो करेगा, और अगर उनके कोई क्वेश्चन है वो पूछेंगे, उनकी साथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी। वो आपने दोस्तों जूम के ऊपर सीखना है, जब हम ये जो अभी थीम बेस्ड होम मीटिंग शुरू करेंगे कल से, तो आपने क्या करना है, जो प्रेजेंटर है वो सारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करेगा, जिसने ज्वाइन करना है उसको ज्वाइन करवाएगा, उसका वो आधार कार्ड पैन कार्ड आपने व्हाट्सएप पे मंगवा लेना है, जिस बंदे ने प्रोडक्ट लेने हैं उनको हम कैटलॉग भेज देंगे, उनसे प्रोडक्ट ले लेंगे, और उसके बाद क्या करना है, आपने जिस बंदे ने नहीं किया कुछ, और उसके साथ हमने क्या करना है, रिलेशन नहीं खराब करने उसके साथ दोस्तों, हमने क्या करना है, हमने उसका हाय हेलो करनी है और बढ़िया रिलेशन बनाना, उसे कोशिश करनी है उसे रेफरेंस मिल सके हमें, ठीक है। तो ये अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी, क्लोजिंग भी होगी, और एंड पे एमसी ने आके फिर क्या करना है, जब प्रेजेंटर ही कर देंगे, एक वर्ड होता है बैम फैम,
बुक ए मीटिंग फ्रॉम ए मीटिंग। अब जो लोग ज्वाइन हुए आपके साथ, ठीक है, मान लो चार लोग आए उसमें से एक ज्वाइन हो गया, तो फिर हमने उनसे मीटिंग करवा, उनके घर पे तो नहीं जा सकते लेकिन उनके जूम के ऊपर मीटिंग करनी है, तो उनसे बातचीत करके अगली जूम की मीटिंग सेट कर लेनी है। कोई भी होम मीटिंग चाहे ऑफलाइन हो चाहे जूम के ऊपर हो, तभी सक्सेसफुल होती है जब हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकाल पाए। तो जूम के ऊपर भी हमने क्या करना, एक जूम कर दिया अगली जूम की मीटिंग सेट करनी, एक जूम कर दिया अगली मीटिंग सेट करनी। हम जैसे बोलते हैं होम टू होम, होम टू होम, होम टू होम, तो यहां पर क्या करना है, जूम टू जूम, जूम जूम टू जूम, जूम टू जूम, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना, झूमते रहना। जैसे आप झूमते रहोगे, झूमते रहोगे, झूमते रहोगे दोस्तों, आप बहुत जल्दी 9 महीनों के अंदर अंदर आप मिलर क्लब में आ जाओगे और लखपति बन जाओगे दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच। सो बैक टू द होस्ट। वाओ वाओ, जबरदस्त सर, जबरदस्त। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा मनीष सर ने दोस्तों हम सभी को डिटेल में बता दिया कैसे दोस्तों हम होम मीटिंग को, जूम जो ऑनलाइन दोस्तों होम मीटिंग है उसको कैसे प्रमोशन करनी है, उसको कैसे दोस्तों हमने अपने काम में लेना है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से सर ने बताया, सर ने बताया आप कंफर्ट जोन में, मतलब कंफर्ट लेवल सेट कर सकते हो। और दोस्तों जो होम मीटिंग है वो इस बिजनेस की बैकबोन है। सर ने जैसे कि दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने बारे में बताया कि कैसे उनका जो लास्ट महीने दोस्तों 2020 में 5 लाख रुपए का चेक था, अभी दोस्तों वो जूम के ऊपर होम मीटिंग कर करके आज दोस्तों वो महीने का 10 लाख रुपया बनाते हैं। सो थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से और सर आपने डिटेल में हम सभी को बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ही बढ़िया टिप्स दिए। सो एक बार मनीष सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। सो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको, जैसे आपने सीख लिया दोस्तों होम मीटिंग कैसे करनी है और क्यों करनी है दोस्तों, अभी दोस्तों आपको मिलवाएंगे जिन्होंने दोस्तों होम मीटिंग के बेस में अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया। वो दोस्तों होम मीटिंग क्वीन कहलाए जाते हैं और दोस्तों उन्होंने आज जो भी मुकाम हासिल किया है, आज मोदी के में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, टॉप लेवल पे हैं, वो उन्होंने दोस्तों कैसे किया, होम मीटिंग कर करके दोस्तों आज यहां तक पहुंच गए। वो अभी दोस्तों अपना टेस्टिमोनियल देंगे, उन्होंने कैसे होम मीटिंग करके यहां तक पहुंचे और दोस्तों कैसे उन्होंने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकाले होम मीटिंग के। सो मैं ज्यादा टाइम ना लूंगा, आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में दोस्तों इनवाइट करने जा रहा हूं एक सिंपल हाउसवाइफ से। कुछ टाइम पहले दोस्तों मोदी केयर शुरू किया, 12th पास है दोस्तों, बहुत सारी लिमिटेशन थी, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, लेकिन दोस्तों उन्होंने डिसीजन लिया, होम मीटिंग करनी शुरू कर दी दोस्तों और होम मीटिंग कर करके आज मोदी केयर में टॉप लेवल पे बहुत अच्छी इनकम पे है। सो आप सबकी जबरदस्त क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूँ ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिसिज शुक्रा मीन मैम जी। सो ओवर टू शुक्रा मैम। थैंक यू अक्षय जी, थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। यस, होम मीटिंग करके मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। फ्रेंड्स, मेरा नाम सुग्रा अमीन है, एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ, बहुत ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करती हूँ। 17 साल की उम्र में शादी हो गई तो पढ़ाई भी छूट गई थी और डे वन से एक ही चीज बताया गया था, घर गृहस्थी संभालो और अपना खानदान बढ़ाओ। फ्रेंड्स, बहुत खुश थी, इकलौते बेटे मेरे हस्बैंड, आलीशान कोठी जैसा मकान, एशिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉय स्टोर के मालिक, पैसे की कभी कोई कमी नहीं और धीरे धीरे 2 बच्चे हो गए, एक लड़का और एक लड़की। पर अचानक आज से 25 साल पहले जब मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे और 15 साल का समय उनको डॉक्टर्स ने दे दिया था, मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस में भी थोड़ा हाथ बटाया पर नाकामयाब रही। और उसी समय मैं सोच रही थी मेरे सपनों को हम कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस भी बंद होने का वक्त आ गया था, क्योंकि मैं उस बिजनेस को संभाल नहीं पा रही थी। बच्चों के सपने थे, हमने बहुत सारे सपने उन बच्चों के लिए देखे थे, मेरा बेटा 9 साल का, मेरी बेटी 2 साल की, और मैं चाह रही थी कुछ भी हो जाए हमारी लाइफस्टाइल में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। और हमने जो बच्चों के सपने देखे थे मैं और मेरे हस्बैंड ने, उनको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे रानियों की तरह रखा था, अब मेरा वक्त आ गया था कुछ करने का। और मैं सोच ही रही थी क्या करूं, उसी समय मेरी जिंदगी में अरुण भाई और सुरेखा आए और मोदी केयर बिजनेस आया। फ्रेंड्स, मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, मोदी केयर के इसी बिजनेस के साथ पैसा कमाया, मान सम्मान कमाया, गाड़ियां मिली, 22 फॉरेन ट्रिप मिले, 9 करोड़ के घर में रही और IDSA से सम्मानित किया गया गोल्डन तेलंगाना अवार्ड से। और बेस्ट चीज दोस्तों, मेरे हस्बैंड की जिंदगी मिली वेल सप्लीमेंट्स के साथ। पर ये सारा करिश्मा कैसे हुआ, ये करिश्मा हुआ होम मीटिंग से। पहले दिन से ही मैंने अरुण भाई और सुरेखा को होम मीटिंग्स करते देखा, कॉन्फिडेंस नहीं था, बोलना नहीं आता था, कुछ नहीं करना आता था, पर सीखी। कैसे सीखी, अरुण भाई और सुरेखा जो भी होम मीटिंग करते ना, मैं चली जाती, मैं कहती मैं भी आ रही हूँ, एक गेस्ट नहीं होता। 60 होम मीटिंग्स मैंने सुना, और ऐसे नहीं सुना,
मैं होम मीटिंग्स में जाती, रिकॉर्ड करती कि ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे होता, कनेक्ट कैसे करते ऑडियंस के साथ, कैसे प्रोडक्ट डेमो करते, उस प्रोडक्ट डेमो को कैसे बिजनेस में कन्वर्ट करते, कैसे उसको कनेक्ट करते, कैसे लोगों की क्लोजिंग करते, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करते, सारा सुनती गई. सुनी ही नहीं, घर आती स्क्रिप्टाइज करती थी एक एक वर्ड. उसी दिन बैठ के वो एक घंटे डेढ़ घंटे की मीटिंग की स्क्रिप्ट करती और रटती थी, रटती थी, रटती थी. बोलना तो आता ही नहीं था, किसी के सामने भी अगर मुझे खड़ा कर दो रोते रोने लग जाती थी, राइट. और मैं हर होम मीटिंग में, सुरेखा मेरी होम मीटिंग्स करती थी, सुरेखा और मैं हम दोनों मेरी लूना पे बैठकर भी गए हैं होम मीटिंग्स करने, अगर अरुण भाई नहीं होते और हमारे पास कार नहीं होती और मेरा ड्राइवर नहीं आता. फ्रेंड्स, हमने बहुत होम मीटिंग्स पे फोकस किया तो आज बिजनेस एक स्टेबल बिजनेस में कन्वर्ट हुआ है. और होम मीटिंग्स की शुरुआत कैसे हुई, मैं कैसे करने लगी, जैसे जैसे मैं स्क्रिप्टाइज करते गई, रटती गई, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा कि मेरी अपलाइन तो वही बोल रही है ना, तो मैं भी बोल सकती हूँ. सुरेखा जब वो बोल के सक्सेसफुल हो सकती है, मैं भी बोल सकती हूँ. वो धीरे 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 अंदर से डर हटता चला गया और जैसे जैसे मैं होम मीटिंग्स करती गई मुझे सक्सेस मिलती गई और फिर इंडिपेंडेंट होने लगी, खुद से करने लगी. और फिर क्या हुआ, वही स्क्रिप्ट मैं अपने डाउनलाइंस को देती, जिसको भी स्पॉन्सर करती, 5 कम से कम डेमोज तो पहले दिन ही सिखा देती. डेमोज 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 पे मैंने बहुत फोकस किया है, लर्निंग पे बहुत फोकस किया है, क्योंकि अरुण भाई और सुरेखा ने मुझे ये भी सिखाया था, राइट. हर नया प्रोडक्ट आता तो पहले दिन हम जाते मार्केट, जाते उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स लाते, कंपैरिजन करते, डेमोज करते और इतनी अंदर से कॉन्फिडेंस फील करते कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है. और जब आप प्रोडक्ट से प्यार करने लगते हैं ना, तो आपको कोई होम मीटिंग करने से, शेयरिंग करने से रोक ही नहीं सकता. स्क्रिप्ट मैं अपने डाउनलाइंस को देती, उनको भी रटवाती और 5 डेमोज तो फर्स्ट डे ही हम उनको तैयार कर देते. और जब भी हम उनकी होम मीटिंग करने जाते तो कैसे करते, पहले हम थीम डिसाइड करते. आज आप लोग ये वर्चुअल इनविटेशंस देख रहे हैं, सुरेखा हमें हमेशा से इनविटेशन कार्ड्स बनवाना सिखाती थी, बना के भी देती थी इनिशियली, ठीक है. तो कार्ड्स बनाते हैं फ्रेंड्स, यही करते करते थीम्स डिसाइड होते, उस थीम की इनविटेशन की स्क्रिप्ट आप हम डाउनलाइंस को देते, थोड़े इनविटेशंस हम करते, थोड़े उनसे करवाते. और फिर क्या होता, जब होम मीटिंग होती हम होस्ट से यानी हमारे कंसल्टेंट को ही यू एक स्क्रिप्ट बना के देते कैसे हमें आइडेंटिफाई करके ओपनिंग करना है. और फिर हम पूरी मीटिंग करते और फिर एक दो प्रोडक्ट डेमो उनसे करवाते और फिर क्लोजिंग हम करते तो वोट ऑफ थैंक्स उनसे करवाते. तो धीरे 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 उनकी डेलीगेशन और बढ़ा देते, राइट. और अल्टीमेटली 2-3 होम मीटिंग्स में हम तो सिर्फ क्लोजिंग करते, बाकी की सारी होम मीटिंग वो करते. तो ड्यूप्लीकेशन होने लगा नेटवर्क में, जैसे जैसे ड्यूप्लीकेशन होने लगा लीडर्स पैदा होने लगे, लीडर्स पैदा होने लगे, चेक अर्नर्स बढ़ने लगे और ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता ही चला गया. होम मीटिंग जैसे जैसे हम शेयर कर रहे थे, राइट. और एक काम हमने किया, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इससे. हमने क्या किया, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, राइट, जितने लोग भी होम मीटिंग्स इंडिपेंडेंटली कर रहे थे उनकी फोटोग्राफ्स हमने डालना शुरू कर दिया. जो होम मीटिंग करता अपनी फोटोग्राफ और वहां पे कितने लोग आए थे उसकी एक फोटोग्राफ डालते और हम उनको कंग्रेचुलेट करते, एडिफाई करते. अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ग्रुप में इंडिपेंडेंटली एक एक कंसल्टेंट 20 होम मीटिंग, 25 होम मीटिंग महीने में करने लगे. अब हमने सोचा चलो इनकी रिकग्निशन करने लगे और हम होम मीटिंग क्वीन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करने लगे और उनको स्टेज पे बुलाते, गिफ्ट देते. यहां से और स्पीकर्स डेवलप होने लगे. जैसे जैसे स्पीकर्स डेवलप होने लगे मेरे ग्रुप में बिलीव मी 60-70 होम मीटिंग्स होने लगे. और हमारी होम मीटिंग क्वींस आज मैं बता रही हूँ, शबाना मैम एंड रुखसाना मैम, आज अगर उनके चेक्स देखे ना, सिंपल सिंपल हाउसवाइफ जो 2,000-5,000 रुपए के लिए आए थे, आज 70,000 to 1,00,000 रुपीज पर मंथ अर्न करती है. फ्रेंड्स, ये कैसे हुआ, ये सब होम मीटिंग्स में हुआ. और जैसे ही लॉकडाउन आया, लॉकडाउन आते ही किसी का चेक नहीं गिरा क्योंकि सुरेखा मैम ने हम सबको संभाल लिया लीप प्लेटफॉर्म पे लाके. लीप पे हमें, हम लीप प्लेटफॉर्म पे सीखते गए और जूम मीटिंग सीखते गए, जूम कैसे चलाना है सीखते गए, तो हमने होम मीटिंग्स को जूम पे कन्वर्ट कर दिया. बिलीव मी फ्रेंड्स, उसी समय कन्वर्ट हो गया था जब लॉकडाउन शुरू हुआ. जूम सीखे और होम मीटिंग्स को जूम पे शिफ्ट कर दिए. जैसे ही हमने होम मीटिंग्स को जूम पे शिफ्ट करना शुरू करे, थोड़ा थोड़ा हमें टाइम लगा इस जूम को सीखने में, संभालने में, बट उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट.
वी वर डूइंग परफेक्ट होम मीटिंग्स, और वहां से भी हम जूम होम मीटिंग क्वींस, होम मीटिंग किंग्स, वहां से लीडरशिप डेवलप होने लगी, आगे बढ़ते ही चले गए। और क्या था, मीटिंग्स जब हम करते थे, कुछ स्क्रिप्ट्स के मैं आज आप लोगों को बता रही हूँ जिसका हम हमेशा स्क्रिप्ट बना के रखते थे। वो एक था इनविटेशन, इनविटेशन कैसे करना, ओपनिंग स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए, देन प्रोडक्ट डेमोज की स्क्रिप्ट, देन 10 मिनट्स का प्रेजेंटेशन जो आपको कनेक्ट करना है, क्लोजिंग की स्क्रिप्ट, फॉलो अप तक का स्क्रिप्ट बना के मैं देती थी कि कैसे फॉलो अप करना है, फॉलो अप करने के लिए टूल्स क्या यूज होंगे, इन सबको हम स्क्रिप्टाइज करके बना के देते थे। और अल्टीमेटली जब क्लोजिंग होती थी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती थी, तो बिलीव मी 15 से 20 क्वेश्चन ही हो सकते हैं हर होम मीटिंग के, 15 से 20 क्वेश्चन ही हो सकते हैं। और वो 15 से 20 क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के वही सवाल होता है, जवाब तो वही देना होता है। अगर वो 15 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अगर आप सीख लेंगे तो फिर देयर इज नो वे एनीबॉडी कैन स्टॉप यू। फ्रेंड्स, एक ही बात मैं कह रही हूं, हमने शिफ्ट किया जूम को, इट बिकेम इजी। मैं 12th स्टैंडर्ड पास, बिलीव मी मुझे बिल्कुल टेक्नोलॉजी से डर है, आज भी लैपटॉप पे खोलती हूं ना तो मेरे हाथ ऐसे कांपते हैं, पर मेरे सपने बड़े, मुझे तो कोई सपनों पे कॉम्प्रोमाइज करने की आदत ही नहीं है और मुझे करना भी नहीं है। मैंने एक लेवल पार किया है तो हमेशा सोचती हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सिर्फ मेरा नहीं, मुझे अपनी पूरी टीम के लेवल्स हाई, उनके चेक्स बढ़ते 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 देखना है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे टेक्नोलॉजी सीखना है, मुझे जूम पे आना है, मुझे फेसबुक लाइव जाना है। बहुत मुश्किल हुई क्योंकि मैं डरती थी, बहुत डरती हूँ टेक्नोलॉजी से, आज भी पूछ पूछ के कर लेती हूँ, पर कर लेती हूँ, ठीक है। और साथ मिला मुझे मेरी टीम्स का, जब मैं सीखने लगी, जूम पे आने लगी, उनका भी डर जाने लगा, उनको भी लगा अरे मैम जब कर सकती है तो हम कर सकते हैं, हमें तो फिर भी कंप्यूटर यूज करना आता है, लैपटॉप यूज करना आता है। और धीरे 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 क्या हुआ, देखा देखी ग्रुप में बहुत बड़ा मोमेंटम हो गया। और फिर हम ट्रेन द ट्रेनर करने लगे, ट्रेन द ट्रेनर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिससे आप होम मीटिंग्स में स्पीकर्स रेडी कर सकते हैं। नए लोग जुड़ते गए, हम ग्रुप्स बनाते गए, 25-25 लोगों के ग्रुप बनाते गए और उनको सिखाते गए कैसे जूम ऑपरेट करना है, कैसे प्रोडक्ट डेमो करना है, कैसे होम मीटिंग करना है। और अब तो जूम बाएं हाथ का खेल हो गया है, अब जूम पे हम 1-on-1 भी करते हैं। पहले क्या हुआ करता था, हम फोन पे कॉल करते, अब फोन पे तो आप कॉल कर लो, आमने सामने तो देख नहीं सकते, हम बिजनेस मीटिंग में जाते और वहां से उनको मिलते। कई लोग मुझे पूछने लगे, मैम वो कनेक्टिविटी नहीं आ रही है, फोन पे हम नहीं कर पा रहे। तो हमने इसका एक और शिफ्ट किया, फोन कॉल्स को भूल गए, फोन कॉल्स ही नहीं करना है, जूम पे भी 1-on-1 करना हो तो जूम पे करिए। क्या होता है, आप सामने उस बंदे को देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, वो कुछ भी पूछे आप वहीं का वहीं टूल्स दिखा दिए, प्रोडक्ट डेमो दिखा दिए, किसी को कनेक्ट करके बुला लिया, एक टेस्टमनी करवा दिया, या वरना मुनीर जी ने जैसे बताया, अगर आपके पास ना सारे टूल्स आपके टिप्स पे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो क्या करती हूँ, सुरेखा मैम ने एक बहुत अच्छा टूल हमारे लिए बनाया है टेस्टमनीज का, टेस्टमनीज का टूल मेरे सारी लीडरशिप, मेरे सारे डाउनलाइंस के पास होते हैं, राइट। अगर किसी ने भी पूछा मैं हाउसवाइफ हूं, मैं कैसे करूं, क्या मैं कर सकती हूं, हम फटाफट वो 5 मिनट प्ले कर देते हैं हाउसवाइफ्स की टेस्टमनी। 8-10 हाउसवाइफ्स की टेस्टमनी सुन के क्या होगा, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा और वहीं से आपके होम मीटिंग्स की जान बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, एक ही बात मैं कह रही हूं, होम मीटिंग्स को शिफ्ट करिए और मीटिंग से मीटिंग निकालिए। अब मान लीजिए आपने आज एक होम मीटिंग की, थीम ये थी, और उसी होम मीटिंग में आप कह सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट थीम ये है, आप भी आइए, अपने फ्रेंड्स को भी लाइए। आजकल देखिए सबके पास टाइम है और लॉकडाउन की वजह से एवरीबडी वांट्स सम एक्साइटमेंट, कुछ पॉजिटिविटी लोगों को चाहिए, ये पॉजिटिविटी हम दे रहे हैं और इस पॉजिटिविटी में क्या होगा, उनकी लाइफ में भी चेंज आ जाएगा। एक ही बात मैं कह रही हूँ, पहली चीज अगर ये सब कुछ करना है ना तो अपना वाई ढूंढिए, वाई अगर आपका स्ट्रांग है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रेंगना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, दौड़ तो वो खुद ही लेता है। तो आपको भी अगर अपने डाउनलाइंस को दौड़ते देखना है ना, थोड़े दिन उनको ये स्क्रिप्ट देकर, उनको सिखाकर, ट्रेन द ट्रेनर करवा कर, उनकी होम मीटिंग्स जूम पे आप करिए और थोड़ा उनको पार्ट दीजिए और धीरे धीरे उनको इंडिपेंडेंट बनाइए और देखिए आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं एक ही बात कहती हूँ, अगर मैं अपने सपनों के लिए
टेक्नोलॉजी सीख सकती हूँ, जूम पे शिफ्ट कर सकती हूँ, एक 12th स्टैंडर्ड पास हाउसवाइफ जिसको हर चीज से डर लगता था, कुछ भी नया करने से डर लगता था, पर मैंने अपने डर को हावी होने नहीं दिया, हमेशा अपने डर के ऊपर विजय पाई और जिंदगी में हमेशा विजय विजय विजय, जीत जीत जीत, यही मेरी जिद है और मैं ये जिद पे अड़ी हूं और मुझे पता है यही करते हुए बाई डिसंबर मेरा चेक 10 लाख रुपए का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, होम मीटिंग्स एंड आवर प्रोडक्ट्स आर द बिगेस्ट टूल टू बिल्ड अ बिजनेस। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। लेट मी हैंड इट बैक वंस अगेन टू अक्षय जी। थैंक यू अक्षय जी, ओवर टू यू। जबरदस्त मैम, जबरदस्त, थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से और डिटेल में आपने इन्फॉर्मेशन दे दी सबको, कैसे आपने जैसे लॉकडाउन लगा और अपने जो होम मीटिंग ऑफलाइन करते थे उसको जूम के ऊपर शिफ्ट किया और बढ़िया तरीके से आपने ग्रोथ की और फास्ट डुप्लीकेशन की अपनी टीम में, और आपकी टीम में भी आज लोग लाखों रुपया बना रहे हैं जूम के ऊपर होम मीटिंग करके। बहुत बढ़िया मैम, आज आप 9 करोड़ के घर में रहते हो, दिसंबर तक आपका 10 लाख रुपए का पे आउट होने जा रहा है। जबरदस्त मैम, एक बार सुग्रा मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग। थैंक यू। दोस्तों, आप देख सकते हो कैसे हमारे सुग्रा मीन मैम बढ़िया तरीके से होम मीटिंग करके दोस्तों आज लाखों रुपया बना रहे हैं। हमारे मनीष चोपड़ा सर आज 10 लाख रुपया बना रहे हैं, जैगुआर गाड़ी बना रहे हैं। ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो होम मीटिंग के ऊपर काम करके बढ़िया पैसा बना रहे हैं। अभी आपने क्या करना है दोस्तों, अपनी टीम में जल्दी से डुप्लीकेशन करनी है और दोस्तों जैसे ये लोग आज यहां तक पहुंचो, आप भी बहुत जल्दी दोस्तों यहां तक पहुंच जाओगे। अभी दोस्तों जैसे हमारा 8 दिन का थीम बेस्ड होम मीटिंग चलेगा ऑनलाइन, तो आपने करना क्या है दोस्तों, जो भी सेशन होंगे उनको दबा के प्रमोट करना है। अभी दोस्तों कल जो हमारा सेशन होने जा रहा है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप खूबसूरत दिखना चाहते हो? क्या दोस्तों आप यंग एज, जैसे आपकी एज ज्यादा है, अगर आप यंग दिखना चाहते हो, क्या आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किन को बेटर बनाना चाहते हैं दोस्तों, खूबसूरत दिखना चाहते हैं? तो क्या करना है दोस्तों, कल जो हमारा 11 बजे दोस्तों होम मीटिंग, थीम बेस्ड होम मीटिंग होने जा रहा है रोज फेशियल के ऊपर, अभी आपने करने का है दोस्तों उसको दबा के प्रमोट करना है। कैसे प्रमोट करना है? अपने रिश्तेदारों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फेसबुक फ्रेंड में, अपने इंस्टाग्राम में वो इनविटेशन दोस्तों आपको मिल जाएगा, शायद बहुत सारे लीडर्स को मिल भी चुका है, कल आपको आज ही मिल जाएगा। आपने दोस्तों वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्विटेशन भेजना है। आपने लोगों से पूछना है क्या आप सुंदर दिखना चाहते हो, क्या आप जंग दिखना चाहते हो? तो कल उसके लिए दोस्तों हमारा सेशन होने जा रहा है रोज फेशियल, कल 11 बजे वो सेशन होगा, उसको दोस्तों आप दबा के प्रमोट कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को उसमें लेकर आइएगा और दोस्तों 8 दिन ऐसे ही दबा के प्रमोट कीजिएगा और दोस्तों अपने बिजनेस को बढ़ाइएगा। सो आज का सेशन जबरदस्त रहा, आपने जान लिया कैसे हम होम मीटिंग कर सकते हैं, कैसे होम मीटिंग करके लोग लाखों रुपया बना रहे हैं। ऐसे दोस्तों आपने भी जो 8 दिन वाले सेशन इनको दबा के प्रमोट करना है और आप भी दोस्तों लखपति करोड़पति बन जाओगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग।